परसों रेनफॉल और हैवी स्नोफॉल से जो लगातार कई घंटे चला, पूरे कश्मीर वैली में पावर आउटेज हो गई थी। तो कल मैं यहाँ श्रीनगर आया था, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में कल रिव्यू लिया, फिर हम पुलवामा गए, अनंतनाग गए और बहुत स्पीड से काम किया और कल शाम तक मोर देन 80% एरियाज में पावर रेस्टोर हुई। उसी के लिए मैं यहाँ पे आया था, उसी का रिव्यू अभी भी हमने लिया। यहाँ बेमिना में हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं, SCs हैं। सिर्फ अभी पूरे वैली में पावर रेस्टोर हुई है, एक्सेप्ट फ्यू एरियाज इन कुलगाम एंड शोपिया डिस्ट्रिक्ट एंड फ्यू एरियाज ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि 132 KV ट्रांसमिशन लाइन पे चार जगह पे हमारी टावर कोलैप्स हुई है। एक लिस्सर में हुई है, एक कुलगाम में, एक शोपिया में, एक बानपो में। उन पर भी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और आज शाम तक हम कोशिश करेंगे कि अनंतनाग वाला एरिया और कुलगाम वाला एरिया रेस्टोर हो जाए। और जो लिस्सर वाला है, क्योंकि वहाँ पे हमें इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम को लगाना है, उसे इरेक्ट करने में 24 घंटे लगते हैं, तो वहाँ भी कल दोपहर तक या शाम तक ये कर लेंगे। तो काफ़ी काम किया है हमारे एम्प्लॉयज ने, दिन रात मेहनत की है। और खुशी की बात यह है कि 24 घंटे से कम समय में मोर देन 80% एरिया में पावर रेस्टोर हुई। लेकिन डैमेजेज बहुत ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर्स बहुत ज़्यादा जले हैं, कई जगह लाइंस बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हैं। तो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने भी 5 करोड़ रुपया रिलीज किया इमीडिएटली। तो मैंने चीफ इंजीनियर को कहा है कि आप तुरंत प्रोक्योरमेंट करें ट्रांसफार्मर्स का या मटेरियल, जहाँ जहाँ पे भी शॉर्टेज हैं, और ये जितना भी डैमेज हुआ है इसको रेस्टोर किया जाए।